नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित भारत के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक है। इसे भारत का सबसे हरा भरा शहर माना जाता है। ट्रेन नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नोएडा दिल्ली का एक उपनगरीय शहर है जो कि भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। नोएडा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। कई बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों के कार्यालय इस शहर में स्थित है। इस शहर में लगभग सभी प्रमुख भारतीय बैंकों की शाखाएं भी मौजूद हैं। नोएडा न केवल कई आईटी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एक व्यापार केंद्र है, बल्कि कई शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ दुकानदारों के लिए एक स्वर्ग है। दरअसल भारत का तीसरा सबसे बड़ा मॉल द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल नोएडा में ही स्थित है। दोस्तों, एक अध्ययन के मुताबिक यह शहर बेहतर बिजली आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण और कुशल मानव संसाधन क्षमता से लैस शहर है। पिछले दो दशकों के दौरान इस शहर में अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दोस्तों, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक इसी शहर में है। इसी कारण नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर है, जो कि देश के हाईटेक शहरों में शुमार है। फ्रेंड, इस शहर में 50% से ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो भारत के किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। इसी कारण इसे भारत का सबसे ज्यादा हरियाली से युक्त शहर माना जाता है। नोएडा की गगनचुंबी इमारतें और मॉल कल्चर यहाँ खुलेपन का एहसास कराते हैं। दोस्तों, इनके अलावा नोएडा शहर अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस शहर का नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है। यह शहर संजय गांधी द्वारा बसाया गया था। इसे 1975 और 1977 के दौरान यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत बनाया गया था। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1976 को की गई और 17 अप्रैल को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नोएडा शहर का क्षेत्रफल 203 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 8 लाख के लगभग है। नोएडा भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक प्रमुख स्थान है। यहाँ कई फिल्में, टेलीविजन श्रृंखला, समाचार चैनल और अन्य मीडिया फिल्माए जा रहे हैं। क्योंकि नोएडा व्यवस्थित योजनाबद्ध भारतीय शहर है और नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी देखरेख और प्रबंधन करता है। फ्रेंड, जब भारत के शहरों में स्वच्छता की बात आती है तो नोएडा सबसे स्वच्छ मध्यम आबादी वाले शहरों में से एक है। इतना ही नहीं, यह शहर जितना हाईटेक होने के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही राजनीतिक कारणों की वजह से भी काफी प्रसिद्ध है। अगर हम नोएडा में घूमने की जगहों की बात करें तो सबसे ऊपर वर्ल्ड ऑफ वंडर थीम पार्क आता है, जो वहाँ के रूप में लोकप्रिय। यह थीम पार्क 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें राइड्स और वाटर राइड्स शामिल है। यह स्थान दोस्तों और परिवार के साथ रोमांचक और आरामदेह दिन का आनंद लेने के लिए यह सबसे अच्छे मनोरंजन और मजेदार जगहों में से एक है। इस्कॉन मंदिर नोएडा, इस्कॉन मंदिर नोएडा के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह पूजा स्थल नोएडा में धार्मिक स्थलों की सूची में सबसे ऊपर है। इस्कॉन मंदिर एक हिंदू और वैष्णव मंदिर है, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यह एक छोटे से भूखंड पर बनाया गया है, इसलिए इसे मंदिर के सभी विशिष्ट तत्वों को समायोजित करने के लिए ऊर्ध्वाधर आकार में बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह 7 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई करीब 160 फीट है। जब आप यहाँ होते हैं तो आप न केवल शांत वातावरण और दीवारों पर सुंदर नक्काशी का आनंद ले सकते हैं, बल्कि मंदिर परिसर के भीतर स्थित रेस्तरा में स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी नोएडा शहर में कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद हैं, पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।